लेदर के आपने बैग्स बनते देखे होंगे, लेदर के आपने जूते बनते देखे होंगे, लेकिन लेदर के टॉयज भी होते हैं, वो मैंने पहली बार देखा है। लेदर, ये जो आप सामने देख रहे हैं जितने भी शोपीस यहाँ पे रखे हुए हैं, सभी जो है लेदर से बने हुए हैं। लेदर की बनी हुई चीज़ का तो आप ही को मालूम, आपको भी मालूम है कि लेदर की बनी हुई चीज़ कितनी अच्छी और प्योर जो है वो होती है, लेकिन लेदर से उनको कैसे आइडिया आया, कितने सालों से वो ये काम कर रहे हैं, क्या उनकी सेल्स रही है, क्या प्राइस है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टार्टिंग जो है तो सबसे छोटे आइटम वो इस किचन से होती है। इसमें भी किचन ऐसे ही नहीं है, किचन में कुछ बना हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया में ही ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ओनली इंदौर में ही मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें हमें गोट और शीप का जो लेदर रहता है वो यूज करते हैं, गोट और शीप का लेदर है वो यूज करते हैं। तो कैसे आप लेदर को जो है वो ये शेप देते हैं? इसमें इनसाइड स्टील वायर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद पेपर का पेपरमेसिस से उसका आकार देते हैं, उसके बाद लेदर पेस्ट होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ कुणाल भाटी। जैसे कि मैं आपको सूरज कुंड की हर एक स्टॉल की हर एक चीज की अपडेट जो है वो दे ही रहा हूं, तो आज मैं पहुंचा हूं स्टॉल नंबर 562 पर। 562 स्टॉल नंबर जब मैं आया तो मैंने यहां पे एक यूनिक चीज देखी। तो आप देख सकते हो नीचे ही सारा सामान रखा हुआ है। जब मैंने स्टॉल ओनर से बात करी तो लेदर जो है, लेदर के आपने बैग्स बनते देखे होंगे, लेदर के आपने जूते बनते देखे होंगे, लेकिन लेदर के टॉयज भी होते हैं, वो मैंने पहली बार देखा है। लेदर, ये जो आप सामने देख रहे हैं जितने भी शोपीस यहाँ पे रखे हुए हैं, सभी जो है लेदर से बने हुए हैं। लेदर की बनी हुई चीज़ का तो आप ही को मालूम, आपको भी मालूम है कि लेदर की बनी हुई चीज़ कितनी अच्छी और प्योर जो है वो होती है, लेकिन लेदर से उनको कैसे आइडिया आया, कितने सालों से वो ये काम कर रहे हैं, क्या उनकी सेल्स रही है, क्या प्राइस है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टार्टिंग जो है तो सबसे छोटे आइटम वो इस किचन से होती है। इसमें भी किचन ऐसे ही नहीं है, किचन में कुछ बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्या है सर, ये मगरमच्छ जो है वो ये है। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको और भी बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे कि शेर का जो है, टाइगर का यहाँ पे किचन आपको मिल जाएगा। लोगों को जो है बहुत पसंद आते हैं, तो यहाँ पर आप आपको जरूर देख सकते हैं। एलिफेंट का भी जो है वो किचन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे अलग जो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चीज देखी, लोगों को जो है घर कहीं भी जाते हैं तो घर सजाने की जो चीजें वो बहुत पसंद आती है, तो मैंने यहाँ पे एक क्यूट सी ये डॉल सजी हुई देखी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो है वो लग रही है। आप देख सकते हैं, और ये जो है वो फुल्ली हैंडमेड है, हाथों से इन्होंने खुद इसे जो है वो सजाया है। आइए जानते हैं इनसे कि वो लेदर से जो बना है, कैसे वो इसे बनाते हैं, कैसे इसे शेप देते हैं, क्या क्या फॉर्मूला जो है प्रोसीजर रहता है, क्या क्या प्राइस इन्होंने रखा है, सब कुछ जानेंगे। यहाँ के ओनर सर कहाँ से वो आए हैं? सर आपका नाम? नंदराम अहिरवार, स्टेट अवार्डी, इंदौर से। इंदौर से स्टेट अवार्ड मिला आपको? जी, किस चीज में मिला है? ये लेदर टॉयज में ये ऑल ओवर इंडिया में ही ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ओनली इंदौर में ही मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें हमें गोट और शीप का जो लेदर रहता है वो यूज करते हैं, गोट और शीप का लेदर है वो यूज करते हैं। तो कैसे आप लेदर को जो है वो ये शेप देते हैं? इसमें इनसाइड स्टील वायर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद पेपर का पेपरमेसिस से उसका आकार देते हैं, उसके बाद लेदर पेस्ट होता है, और लेदर पेस्ट के बाद कलर और उसका डेकोरेशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ कलर की, तो क्या इसमें कलर जो है वो एक समय के बाद उतर जाएगा या नहीं? फैब्रिक कलर रहता है, ये पक्का कलर जो फैब्रिक कलर आता है वो ही यूज करते हैं। ऑर्गेनिक जो कलर है, किसी प्रकार का उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई मतलब वो नहीं रहता है। ये टोटल एक्सपोर्ट होता है, 90% ही एक्सपोर्ट हो जाता है हमारा, और बाकी क्या कुछ जो है हम ऐसा एग्जीबिशन वगैरह में। कितने सालों से जो है वो आप यहाँ आ रहे हैं? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ सूरज कुंड मेले में। पहली बार में आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है? ये DCH ने हमको जो स्टॉल है ना बहुत पीछे दे दिया है, इस कारण से हमारा माल सेल नहीं हो रहा हमको, है ना। आबादी होते हुए भी क्या है, बहुत पीछे कर दिया, जबकि है ना मेन रो में हमको वो देना चाहिए, इसलिए हाँ इसलिए हमारा माल सेल नहीं हो पा रहा, जबकि लोगों को बहुत यूनिक चीज़ें हैं ये, तो हमारा पसंद। अगर हमको जैसे अच्छी रो में अच्छी जगह मिल जाता तो हमसे ओनली 2 दिन में माल सेल हो जाता हमारा। ये स्टॉल हमको पीछे होने के कारण हमारा माल सेल ही नहीं हो रहा है। तो कैसे जो है वो ये आप माल जो कितने सालों से बना रहे हैं? मैं 25 सालों से इस काम में लगा हुआ है, मैं मतलब नेशनल इंटरनेशनल मिलान तक होके आया हूँ, एग्जीबिशन वगैरह करके आया हूँ, एक्सपोर्ट में भी माल देता हूँ। बाकी का जो है एक जो DCS
के माध्यम से जो हमको स्टॉल दी जाती है ये मेन रूप में दी जाए, तो हम लोगों का क्या है कम से कम सेल तो हो। सेल तो आपका दिन खर्च जो है वो निकल पा रहा है, वो भी नहीं निकल पा रहा है। जिस हिसाब से अगर हो रहा है 1000 रुपये 1500 रुपये 500 रुपये ऐसा पर डे की सेल हो रही, तो वो कोई, जबकि हमारा प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ इंदौर में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, और अगर कोई अगर हमको अच्छी जगह आते हैं उसको ओनली हमें 2 दिन के लिए माल होता है सेल होता है। तो सर प्राइस क्या है आपका स्टार्टिंग प्राइस? ये हमने कीरिंग का प्राइस रखा 50 रुपये, और जैसे ये जो हॉर्स है देखिए ये पूरा है उससे बना है मात्र 200 रुपये, ये पूरा 100% हैंडमेड है, पूरा लेदर का है, ये मात्र 200 रुपये की कीमत लगी। ऐसी ये एलिफेंट है, देखिए ये एलिफेंट है मात्र 200 रुपये का है। इसके बाद जैसे कि इससे बड़ा है ये 350 का है, ये 350 का है। इसके बाद ये बॉल हैंगिंग में ये एलिफेंट का शेप देखिए, ये क्या है ये 800 का है। ये जैसे बड़ा एलिफेंट का ये देख रहे हैं आप, ये 2400 रुपये का है। ऐसा जो लेदर का जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस कुछ भी नहीं। आप छोड़ देखते हैं छोटा सा पर 500 रुपये का देते हैं, हम एनिमल हैंडमेड बना के वो 200 रुपये में दे रहे हैं, फिर भी ये स्टॉल पीछे होने के कारण हमारा माल नहीं बिक पाया है। ये जो डॉल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये डॉल भी क्या है ऊन से बनाया है, ये पूरा हैंडमेड है मात्र 150 रुपये, 150 का वन जी। तो लोग जो है वो बार्गेनिंग कर आपको उतना मेहनत दे पा रहे हैं, लॉस में आपको बेचना पड़ रहा है? नहीं नहीं देते हैं 200 रुपये का बोल के बोलते हैं, हम 150 में दे देते हैं, क्योंकि हम रेट टू रेट में माल हमको वापस नहीं ले जाए, इसलिए हम रेट टू रेट में ही चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रोडक्ट पूरा लेदर से बना हुआ है, हम जानते हैं कि लेदर की जो प्राइस है वो बहुत ही महंगी है। छोटा सा अगर हम एक लेदर का पर्स खरीदते हैं तो 500 से 1000 रुपये तक का आता है, और ये लेदर के इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टॉयज जो बना कर हैं वो मात्र 200-300-350 रुपये तक बेच रहे हैं। जो बड़ा है वो जाके 2400 रुपये का है, लेकिन ये छोटे छोटे तो बहुत ही सुंदर जो है वो मात्र 200 से 250 रुपये तक 300 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन फुटफॉल जीरो है यहाँ पर, क्योंकि जो स्टॉल है वो इन्हें पीछे दी गई है, स्टेट अवार्डी होने के बाद भी जो है वो स्टॉल इन्हें पीछे दी गई है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने व्यूअर्स से कि तो वो जो है मेले को सिर्फ बीच बीच में आगे पीछे ना देखें, जो जगह साइड में स्टॉल्स लगी हुई हैं वहाँ पर भी आए, क्या पता जो चीज़ आपको बीच में नहीं मिल पा रही वो आपको साइड में आके जो है वो मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सामान रखा हुआ है। स्टॉल नंबर 562 पर आप ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर 562 स्टॉल नंबर पर आएंगे तो वहाँ से बिना खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ही सुंदर जो सामान है वहाँ पर मिलने वाले। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि हम घर सजाने के लिए क्या खरीदें, क्योंकि घर सजाने का सामान जो है वो सभी को बहुत पसंद आता है। तो ज़रूर आएँ स्टॉल नंबर 562 पर। इसी के साथ बने रहें पहचान फरीदाबाद के साथ, मैं आपके साथ कुणाल भाटी, कैमरा पर्सन सिमरन के साथ।